हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको कोई भी अपडेट इसलिए नहीं दे पा रहा था कि मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं बेड रेस्ट पे था 4-5 दिन, इस वजह से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई थी। बट अब मैं फाइनली ठीक हो चुका हूँ, तो अब आपको रेगुलर वापस अपडेट मिलने लगेगी जैसे अभी तक मिल रही थी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज की ये वीडियो भी टेलीग्राम का जो कॉइन है टोन कॉइन, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली है। साथ ही साथ हैमस्टर कॉम्बेट का एक न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है सेम कॉन्सेप्ट के साथ, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों कॉइन का फ्यूचर क्या रहने वाला है और कब आपको इन दोनों कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टाइम पे टोन कॉइन की ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज के टाइम पे हैमस्टर कॉम्बेट को काफी ज्यादा लोग माइन कर रहे हैं और उसमें यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा टेलीग्राम का। ये टेलीग्राम का एक यूनिक यूज केस है, जिस वजह से इसकी ब्लॉकचेन को आज के टाइम पे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और काफी ज्यादा प्रोजेक्ट आज के टाइम पे इसी की ब्लॉकचेन पे डेवलप हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमें टोन कॉइन के अंदर काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। टोन कॉइन ने पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें INR में, तो 607 रुपये भी ये चल रहा है। इन आने वाले टाइम पे ये यहाँ से हम लोगों को 2x का रिटर्न इजीली दे सकता है। लगभग 1200 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा टोन कॉइन के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके अंदर पैसा आएगा, वैसे वैसे हमें इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में ये हमारे पैसों को डबल कर देगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो जिस तरीके से हमें सोलाना कॉइन ने एक टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, सेम ऐसे ही टोन कॉइन के साथ हो सकता है। ये हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, 10x का रिटर्न भी हमें ईजिली दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए एक और प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है। वैसे तो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर एग्जिट करता है, उसको इनको हम लोग अच्छे से जानते हैं। उसको उनका नाम है बेबी डोज कॉइन। आज के टाइम पे इसकी मार्केट रैंक की अगर हम बात करें, तो 262 रैंक पे चल रहा है। बात करूँ इसकी करंट वैल्यू की, तो 0.7 टाइम यहाँ पर जीरो, तब जाकर यहाँ पर नंबर शुरू है 98, और अभी लगभग ये 3% डाउन है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी करेक्शन है। बेबी डोज कॉइन वैसे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बेस्ट वर्क कर रहा है, ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है जो कि आज के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस है, टैप टू माइन वाला। इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ है वो है हैमस्टर कॉम्बेट। आज के टाइम पे काफी ज्यादा उसके यूजर हो चुके हैं और काफी ज्यादा लोग उसको माइन करने पे लगे हुए हैं, इस भरोसे कि हमें आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ उससे जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी रियलिटी क्या है वो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगी। लेकिन बेबी डोज कॉइन को हम ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट बुल रन में इसने हम लोगों को ठीक ठाक रिटर्न भी दिया है। कहीं ना कहीं इलोन मस्क इसको टाइम टू टाइम सपोर्ट भी करता रहता है। और अब इसकी खास बात यह है कि ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के साथ साथ इथेरियम और सोलाना की ब्लॉकचेन पे भी अवेलेबल हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ इसके यूनिक कॉन्सेप्ट की, तो ये उस सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है जो कि हैमस्टर कॉम्बेट फॉलो कर रहा है, टैप टू माइन वाले कॉन्सेप्ट को। आप यहां पर देख सकते हो, मैंने ये अपडेट आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और काफ़ी सारे कार्ड्स भी इन्होंने यहां पर बना लिए हम लोगों के लिए। हैमस्टर कॉम्बेट ने इस चीज़ को नाम दिया था माइन का, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नाम दिया गेम का, भी किस तरीके का गेम लेकर आने वाले हैं, क्या कुछ यूनिक होने वाला है, वो सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा जब ये प्रोजेक्ट आ जाएगा मार्केट में। मतलब कि जब ये अपने इस यूनिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर देंगे मार्केट में, और इसके लगभग कोई 8 दिन रह गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो सेम चीज़ है हैमस्टर कॉम्बेट वाली ही, यहाँ पर नाम चेंज हो चुका है, हैमस्टर कॉम्बेट की जगह बेबी डोज कॉइन आ चुका है। 8 दिन के अंदर ये क्या यूनिक करने वाले हैं, किसका इनका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, वो क्या गेम रहने वाला है जिसके थ्रू आप इनके कॉइन को अर्न कर सकते हो, माइन कर सकते हो, ये सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। तो दोनों जगह सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। जिन लोगों ने इन कॉइन्स के अंदर ऑलरेडी एंट्री बनाकर रखी है, उन लोगों को होल्ड करना चाहिए इस कॉइन को, क्योंकि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इन दोनों कॉइन के अंदर है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि टोन कॉइन की कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है और साथ ही साथ बेबी डोज कॉइन की कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है। बेबी डोज कॉइन के होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हैमस्टर कॉम्बेट जो अभी मार्केट में आया भी नहीं है, उसकी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसको लोग बाय करने के लिए भी तैयार है। बस वो ये सोच रहे हैं कि कब ये मार्केट में लॉन्च हो हैमस्टर कॉम्बेट और कब हम इसके अंदर ट्रेडिंग करना शुरू करें। लेकिन बेबी डोज कॉइन ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिट करता है, इसके अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी बुक करते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल जाए और ये हमें 5x या फिर 10x का रिटर्न इजीली दे दे। बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो ये हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म में भी हमें 5x का रिटर्न इजीली दे सकता है।
तो इन कॉइन्स के अंदर एंट्री कहाँ पर लेनी है, इनके चार्ट वगैरह जो रहेंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि इन दोनों कॉइन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। अगर इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकूं और आप लोगों को और भी अच्छी अपडेट दे सकूं। तो मैं मिलता हूं फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। Thank you.